बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक छोटी सी कोटेशन है जबूर से, साइम्स 19 में ये बयान किया गया है, द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड, द स्काइज प्रोक्लेम द वर्क ऑफ हिज हैंड्स, डे आफ्टर डे दे पोर फोर्थ स्पीच, नाइट आफ्टर नाइट दे रिवील नॉलेज, दे हैव नो स्पीच, दे यूज नो वर्ड्स, नो साउंड इज हर्ड फ्रॉम देम, येट देयर वॉइस गोज आउट इन टू ऑल द अर्थ, देयर वर्ड्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। गोया ये कायनात जो है वो अल्लाह ताला की ग्लोरी, अल्लाह ताला की अजमत उसको बयान करती है, उसके लिए दलील है। हमारे जो अगले मुकर्रर हैं बहुत सीनियर आदमी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और वहाँ की जो बॉटनी डिपार्टमेंट है उसकी 100 ईयर्स हिस्ट्री जो है उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो बहुत इनायत की इन्होंने कि वो तशरीफ़ लाए, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ ला के अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रशीद अरशद साहब, डॉक्टर अबसार अहमद साहब, डॉक्टर मुनव्वर अनीस और सदर सेमिनार डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा और जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल काजी साहब, हाज़रीन व सामईन, अस्सलाम अलैकुम। मैं इस सेमिनार में शिरकत की दावत पर मरकजी अंजुमन खदामुल कुरान के सदर डॉक्टर अबसार अहमद साहब और स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर मुनव्वर ए अनीस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस दावत के ज़रिए मुझे मरहूम और मकफूर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कीमती तसनीफ, जो बज़बान उर्दू अगस्त 1999 में पहली बार शाया हुई और उसका तर्जमा बज़बान अंग्रेज़ी शाया शुदा नवंबर 2013 आज डॉक्टर इसरार अहमद साहब बाउनवान द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ए कुरानिक पर्सपेक्टिव से मुस्तफीद होने का मौका मिला। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बड़ी अर्क्रेज़ी से अपने मरहूम मकफूर बरदर बुज़ुर्ग की मायानाज तहरीर का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमे के ज़रिए इल्म व हिकमत की खिदमत में ग्रां कदर इजाफ़ा किया है। मैं बॉटनी का तालिब इल्म हूँ और मेरी तहकीक का महवर माहौलियात यानी इकोलॉजी है। हयात अर्ज़ी का इर्तका हमारे दर्स व तदरीस का एक अहम हिस्सा है। ख्वातीन हज़रात, इस सेमिनार के मौजू की मुनासबत से और डॉक्टर इसरार अहमद अला रहमा की तहरीर की रोशनी में तख्लीक आदम और औलाद आदम पर चंद नुकात पेश खिदमत करना चाहता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की इस पुरमक़्स तहरीर के हिस्सा इबलीस का ऐलान बगावत और उसका सबब से एक हिस्सा मरहूम मकफूर के अल्फाज में सफ़ा 38 से यूं तहरीर है, एंड आई कोट, गोया इबलीस की गुमराही और बगावत का असल सबब यह था कि आदम अलैहिस्सलाम की मरकब शख्सियत जो दो अज्ज़ा के जमा होने से वजूद में आई थी, यानी एक हैवानी वजूद जिसका तअल्लुक आलम खल्क से था और दूसरे रूहानी वजूद जिसका तअल्लुक आलम अमर से था। इनमें से हैवानी वजूद तो उसके सामने था लेकिन रूहानी वजूद से वो महजूब था, और ब्रैकेट में तहरीर करते हैं, और गालबन यही हकीकत है जिसकी जानब इशारा हुआ है इस फरमान इलाही में कि खलकता हूँ बेयदई, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है, अनकोट। सूरतुल हिजर की आयात 26-29 की मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला सड़ी हुई लेसदार मिट्टी से बनाया,
जो बनने के बाद खुश्क हुआ और फिर इस खुश्क बजने वाली मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी गई, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बराह रास्त एज डायरेक्ट क्रिएशन की गई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल चली। हमारे बायोलॉजी में कई बार स्पेशल क्रिएशन की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये डायरेक्ट क्रिएशन ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि स्पेशल क्रिएशन की और इम्प्लीकेशंस भी हैं। डार्विन का नज़रिया इर्तका और इसकी मुतफर्रक तोजीहात, जिनके मुताबिक इंसान हैवानी मनाजिल से तरक्की करता हुआ बशरियत की हदूद में आया है, कुरान हकीम की तालीमात से मुताबकत नहीं रखते। इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है वो दरअसल सिफात इलाही का एक अक्स है, जिसकी वजह से इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा करार पाता है। और यहाँ बहुत से पुरमग्ज गुफ्तगू हुई है और डॉक्टर अनीस साहब ने बड़ा इसका रिव्यू किया है। जब मैं आईसेस्को में था, आईसेस्को है इस्लामिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने एक सेमिनार करवाया ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। उसमें ये बात आई कि अबॉर्शन के बारे में, ये जो बात इन्होंने 120 दिन की कही, तो मुझे याद है यूसुफ करदावी साहब और बहुत से स्कॉलर्स कायरो में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, और ये जो डॉक्टर साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में ये जनीन और सारा कुछ बताया है उसकी डिवेलपमेंट एम्ब्रियो की, और वहाँ ये बात आई 120 के, लेकिन उस सिर्फ उस सूरत में अगर माँ की सेहत या उसकी हयात को ख़तरा हो। तो ये डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया मुझे। ये दो हफ्ते जब से मुझे ये इन्विटेशन मिली, डॉक्टर इब्सार साहब घर तशरीफ़ लाए, तो मैंने ये दोनों उर्दू का भी और आपका तर्जमा पढ़ा, और मुझे ये बड़ा आपने मौका मुहैया किया जिसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली। वरना हम बायोलॉजी में जैसे कहा गया है कि इर्तका तो बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ में होता है, लेकिन फोकस रहना चाहिए इस बात पे कि ये हम ना कहें कि इंसान बंदर से बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खायद।